हिमाचल प्रदेश में 72 घंटों से ज्यादा की मूसलाधार बारिश ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया है। लगातार हुई बारिश की वजह से प्रदेश भर में नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश से सबसे ज्यादा तबाही प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिला में हुई है। इस प्राकृतिक मार से राज्य को अब तक 4,000 करोड़ रूपये के नुकसान की आशंका है। हालांकि वास्तविक नुकसान के आंकलन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। ये कमेटी नुकसान का सही आंकलन करेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा व कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश में हुई बारिश से भारी तबाही को राष्ट्रीय आपदा के रूप में केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की अपील की है। प्रकृति के कहर ने हिमाचल प्रदेश को कई साल पीछे कर दिया। अब जरूरत इस बात की है कि द्वारा से जब स्थिति सामान्य हो, अभी हालांकि सरकार लगी है, मुख्यमंत्री जी भी दौरा कर रहे हैं, हमारे जो दूसरे मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी सब अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के बीच में, लेकिन प्रदेश मुझे लगता है कि कई वर्ष पीछे चला गया। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है और एक अनावश्यक रूप से जो है ये बोझ जो है हिमाचल पे आन पड़ा है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी से बात की है और आश्वासन दिया है कि हिमाचल को हर तरह की मदद जो है सरकार करेगी। हमारा ये निवेदन जहां प्रधानमंत्री से, वहां हिमाचल प्रदेश के जो सांसद हैं, तीन सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी हमारा निवेदन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, वो भी हिमाचल के रहने वाले हैं, और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, वो भी हिमाचल से। तो हमारा आप लोगों से भी निवेदन रहेगा कि इस वक्त इकट्ठे मिलके हमें इस विपत्ति का सामना करना है। आप भी जो है केंद्र सरकार पे दबाव बनाए, हिमाचल के लिए एक स्पेशल पैकेज की जरूरत है, और जितनी जल्दी हो सके केंद्र सरकार हिमाचल में अपनी टीम भेजे और आकलन करे कि हिमाचल में कितना नुकसान हुआ, क्योंकि जो हमारे राजमार्ग टूटे पड़े, हमारे संपर्क मार्ग टूटे पड़े, उन्हें फिर से दुरुस्त करने की जरूरत है, और जो पुल बह गए उन पुलों को भी फिर से लगाने की जो है जरूरत है। और इस वक्त स्थिति ऐसी है कि गांव में लोग दहशत के वातावरण में रह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो गांव हैं उन गांव में भी नुकसान पहुंचा है, घरों में दरारें हैं, और लोग जो है सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए मजबूर हैं। ये स्थिति पूरे प्रदेश में, कुल्लू और मंडी में जो माननीय सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हर जगह पे मदद की ज़रूरत है। आज हिमाचल में बहुत बड़ी, जो ये 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, हर क्षेत्र में जान माल का नुकसान हुआ है, और ख़ास करके मंडी और कुल्लू में बहुत ही इसका प्रभाव पड़ा है। लोगों के घरों में बिजली है ना, पानी है, और कितने लोग मलबे में दब गए हैं। आज ये परिस्थिति है कि ना उनसे संपर्क किया जा रहा है, ना उनसे बातचीत की जा रही है। कल तक भारी बारिश थी, उसकी वजह से आना जाना भी थोड़ा मुश्किल था, पर फिर भी हमने प्रयास किया कि जितने भी लोगों से संपर्क किया जाए, जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनको भी हमने निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर वो लोगों से संपर्क करें और उनकी हर तरह से मदद की जाए, ऐसा मैंने उनसे आग्रह किया है।
वो इस कार्य में जुटे हैं और रात दिन लोगों के संपर्क में हैं। जो लोग जा पा रहे हैं वो क्षेत्र में जाकर लोगों को सांत्वना भी दे रहे हैं और किस तरीके से हम सरकार से और केंद्र सरकार से उनकी मदद कर पाए इसका भी उनको आश्वासन दे रहे हैं। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से भी ये निवेदन करूंगी कि इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में जो आई है उसका हमने डटकर मुकाबला करना है, उसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हमें हर क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनना होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री मंडी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, शायद वो एरियल सर्वे के द्वारा कुल्लू का भी निरीक्षण कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट लेकर वो केंद्र सरकार को भेजेंगे और उन्होंने अपने अधिकारियों को भी, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर्स थे, एसपी थे और जितने भी अधिकारी हैं, उनको भी निर्देश दिए हैं कि आप तुरंत क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को राहत देने की बात करें। जो लोग मलबे में दब गए उनको भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगी कि इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई है जबकि पूरे भारतवर्ष में और जगह भी बहुत बहुत नुकसान हुआ है, पर जिस तरीके से इस बारिश ने हिमाचल ऊपर ये जो त्रासदी आई है उसके लिए केंद्र सरकार भी हमारी बढ़ चढ़ के मदद करें। और जहां तक अभी तक अनुमान लगा पाए हैं हम, 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार इसमें हमारी मदद करेगी और उसी तरह से अपनी वो एक टीम यहाँ पर भेजे और वो टीम भी इस हर क्षेत्र का दौरा करके अनुमान लगाए कि कितनी क्षति हुई है और उसके अनुसार हमें धनराशि दी जाए ताकि हम तुरंत इस काम को शुरू करें और तुरंत उन लोगों को राहत पहुँचाने का काम करें। जितने भी हमारे परिवार है जो इस क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं, उनका जो नुकसान हुआ है, चाहे उनकी परिवार के सदस्यों की जान माल की हानि हुई है और उसी तरह से उनके माल की, घर की, सड़कों का जो नुकसान हुआ है, बाग बगीचों का नुकसान हुआ है, खेतों में जो नुकसान पहुंचा है, उसके लिए भी हर हम संभव प्रयास करेंगे कि केंद्र सरकार से हम जल्दी से जल्दी धनराशि उपलब्ध कराएं और लोगों को राहत का कार्य करें। मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने ऐसी घड़ी में अपने घर और प्रियजनों को खोया, उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं और हम भरसक प्रयास करेंगे कि तुरंत इसमें हमारी टीम जाकर काम करे, लोगों को राहत देने का प्रयास करें। जो भाजपा के हमारे नेतागण हैं उनसे भी मैं ये आग्रह करूंगी कि वो दलदल नीति से उठकर इस कार्य में एकजुट होकर हमको प्रदेश में कार्य करने की आवश्यकता है। उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो लोग भी हमारा सहयोग करें और मिलजुल के हम इस काम को अच्छी तरह से कर पाएं।